मैक्सिमम यहाँ लड़ाई है जमीन का, तो जो बेरोजगार है उसको बिहार सरकार लगातार इधर नौकरी दे रहा है। तो अंचलाधिकारी को हम लोग यहाँ से फोन लगा के और पत्र दे के लेटर पैड पर लिख के और बात करके समस्या समाधान करने के लिए आदेश निर्गत कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। बिहार सरकार में मंत्री भी अब जमीन विवाद को लेकर के परेशान हैं, दूसरे तरफ यह भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा भी काफ़ी जटिल है। देखिए, सुरेंद्र यादव जो कि राजद के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में जमीन विवाद का मसला जो है वो बेहद ही जटिल है और कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा अगर समस्याएं निकल कर सामने आ रही है तो जमीन विवाद से जुड़ा ही हुआ समस्या निकल कर सामने आ रहा है, और दूसरा बेरोजगारी का। सबसे पहले आप मंत्री सुरेंद्र यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ लड़ाई है जमीन का, मैक्सिमम करीब करीब। दूसरा लड़ाई जो है बेरोजगारी का, तीसरा जो लड़ाई है बेरोजगारी का। तो जो बेरोजगार है उसको बिहार सरकार लगातार इधर नौकरी दे रहा है, नौकरी भी दे रहा है उसको, रोजगार भी दे रहा है। और जो जमीन का विवाद है, तो अंचलाधिकारी को हम लोग यहाँ से फ़ोन लगा के और पत्र दे के लेटर पैड पर लिख के और बात करके समस्या समाधान करने के लिए आदेश निर्गत कर दिए हैं और अनुरोध भी कर दिए हैं। यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं, कई लोग जो हैं वो अफसफाई की बात कर रहे हैं कि उनकी बातें जो हैं अधिकारी नहीं सुनते, यही कारण है कि उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है, आप लोगों तक आना पड़ता है। अब ये उनका कहना था, पर उनके सामने जब हम मोबाइल से हम समीम साहब बात किए पदाधिकारी से, तो सारे लोग उन्होंने कहा कि इसे आप भेज दीजिए मेरे पास, हम नोट कर लेते हैं। उन्होंने नोट भी किया और हम लोग अपने लेटर पैड पर लिख के भेज भी दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उसका अभिलंब हम कार्रवाई कर देंगे। आप लोग विपक्ष में थे तो अफसरशाही की बात करते थे, क्या आप खत्म हो गई अफसरशाही? जब जैसा तब तैसा। तो आपने सुना मंत्री सुरेंद्र यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में सबसे जटिल अगर कोई समस्या है तो वो जमीन विवाद का समस्या है और दूसरा बेरोजगारी का। हालांकि बेरोजगारी का जो मसला है उस पर बिहार सरकार जो है वो कार्य कर रही है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, मगर साथ ही साथ सुरेंद्र यादव यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि जमीन विवाद जो है वो पहले से जो है वो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो निकल कर सामने आती रही है। और अब वर्तमान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर मंत्री और तमाम माननीयों के पास समस्याएं निकल कर सामने आती है तो वह है जमीन विवाद का, और कहीं ना कहीं उस मसले को भी जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार उस दिशा में भी कार्य कर रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।